जदों तो चार विधानसभा हलकियां च चोणां दा ऐलान होया है उदों तो ही हर पार्टी अपना अड्डी चोटी दा जोर लगा रही है ते वड्डे वड्डे दावे कर रही है। उन्हां दा सिर्फ एक ही मकसद है कि विरोधियों नूं किवें पंडिया जावे। अकाली दल हर वार दी तरह इस वार भी कांग्रेस खिलाफ शिकायत लैके चोण कमीशन कोल पहुंच चुकी है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस ते मीडिया दे सामने पहला बूथ कैप्चरिंग दे गंभीर इल्जाम लगाए ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे दे उत्ते सीओ साहब नूं मिल के आए हैं और भारत दे जिहड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी असी तुरंत ईमेल करके बेनती की है कि चार जगह के उत्ते पंजाब दे विच बाई इलेक्शन हो रही है और हुण तक जिहड़ी सानू ग्राउंड तो इनफॉर्मेशन आनी शुरू हुई है कि जिस तरह के कारपोरेशन दे म्यूनसिपल कमेटियां दे पंचायतां दी इलेक्शन दे विच धक्केशाही शुरू हुई सी और वड्डे पद्धर ते फिर बूथ कैप्टनिंग भी हुई सी, वर्करां दे उत्ते अटैक भी हुए सी, उसे तरह का दहशत का माहौल जिहड़ा वो चारां विधानसभा हलकियां दे विच रूलिंग कांग्रेस पार्टी वालों सरकार वालों बनाना शुरू कर दिया गया। इस मौके उन्होंने मुख्य चोण कमीशन नूं अपील की है कि चार विधानसभा हलकियां विच जिमनी चोणां करवाउण लई पंजाब अंदर नीम फौजी दस्ते तैनात किए जाण। इस तों इलावा सुतंत्र ते निरपक्ष चोणां करवाउण लई पार्टी ने सारे बूथां दी वीडियोग्राफी करवाउण दी मंग की है। चीमा मुताबिक कांग्रेस दे इस हथकंडे नूं नाकाम करन लई नीम फौजी दस्तियां नूं तैनात करन दी लोड़ है। होर की कहना है चीमा साहब दा, आओ देखदे आं। और दूसरा असी मंग की सी कि 100% वीडियोग्राफी जिहड़ी है सारे चार विधानसभा हलकियां दे विच सारे पोलिंग बूथां दे उत्ते की जाए और एक नंबर ऑफ इलेक्शन ऑबजरवर जिहड़ा वधाया जाए क्योंकि गौरमेंट जिहड़ी है उहदी कोशिश है कि असी अपने नाकामियों के उत्ते पर्दा पाउण वास्ते धक्केशाही करनी करे। मैनूं इक गल की खुशी है कि सानूं सीओ साहब ने दस्सिया कि एक तां सारे 100% जिन्ने बूथ है चारा हलकियां दे उत्थे वीडियोग्राफी की जाएगी, ये अच्छी गल है। असीं वेलकम किया उन्होंने, असीं भी कहा कि बाहरला भी जिहड़ा हिस्सा बूथ का उहदे ते भी की जाए, वह भी सानूं उन्होंने अश्योरेंस दित्ती है कि बाहर भी जिहड़ी है कैमरा लगे, अंदर 100% उन्होंने कहा कि सारे बूथां दे उत्ते लगेगा। दूजी गल है कि उन्होंने सानूं अश्योर किया कि माइक्रो ऑबजरवर 100% बूथां दे उत्ते लगणगे जिहड़े कि सूबे तों बाहर दे होणगे, ये भी मैं समझदा कि अच्छी गल है। इत्थे ही बस नहीं, एक होर वक्तरा ही अकाली दल ने दाखा विधानसभा हलके अंदर आजाद ते निरपक्ष चोणां यकीनी बनाउण लई दाखा दे SHO प्रेम सिंह दा लुधियाणा जिले तो तबादला करन ते उस वल्लों कीतियां धक्केशाहियां ते बेनियमियां दी एक उच्च पद्धरी जांच करवाउण दी मंग कीती है। बवन ने कहा कि SHO कांग्रेस पार्टी नाल जुड़िया होया है ते चोणां दे ऐलान तो पहलां ही विरोधियों नूं धमकाउण लई इस नूं दाखा विच कम ते ला दिता गया सी। इसने स्थानक इकाइयां दीआं चोणां वेले बतौर SHO डेलो भी यही कुछ कीता सी। दाखा दे विच खास तौर ते असीं शिकायत कीती है कि पिछे पंचायत इलेक्शनां दे विच इक डेलो थाणे दे SHO सरदार प्रेम सिंह जिहड़े इंस्पैक्टर आ उहदे दे विच उन्हां दी इक वीडियो वायरल होई सी कि उह पंचायत इलेक्शन दे इक उम्मीदवार नूं जबरदस्ती धमकी दे रहे सी कि तूं बैठ जा ते कांग्रेस दे लीडर करवल दे नाल जाके ते मेरी गल करा ते उहदे नाल तूं जिवें उह कहिंदा उवें कर। उह असीं आडियो भी उन्हां दी जिहड़ी हैगी आ असीं जिहड़ी आ उह हुणे सीओ साहब नूं दित्ती आ, तुहानूं असीं सुना भी दिंदे आ थोड़ी जी, सारी तो सुनाउण वाली नहीं क्योंकि गालां ज्यादा उहदे च, पर थोड़ी जी सुना दिंदे आ कि की हैगी आ। इह असीं भेज दिंदे तुहानूं सारिआं नूं जिहड़ी हैगी WhatsApp ते भेज दिंदे। इहदे च असीं दो चीज़ां सीओ साहब दे ध्यान च लैंदियां भी, एक तां देखो कि उही अफसर ने डेलो दी वारदात है उही जिला सारे चैनलों ते इह वीडियो किन्ने दिन चलदी रही है कि किस तरीके SHO वल्लों सरपंची दे इलैक्शन दे उम्मीदवार नूं धक्केशाही दे नाल बिठाउण वास्ते दबके मारे जा रहे ते जिस दिन इलैक्शन अनाउंस होईआं एक दिन पहलां उसे बंदे नूं उसे इंस्पैक्टर नूं दाखां दा SHO ला दिता गया। मकसद है कि जिस तरह उत्थे दबके मार मार के कले कले सरपंच नूं कागज चकाए सी, इत्थे भी हुण कले कले सरपंच नूं उस तरह धमकियां देनियां
एक तो असीं इह मंग कीती आ कि उही अफसर ने जिले दे ते इह दस्सिया जावे कि इही अफसर नूं चुण के क्यों लाया जदों कि इलैक्शन कमिशन की हदायत हुंदी आ कि कोई भी जिहड़ा अफसर जिहदा पिछोकड़ कंट्रोवर्शियल होवे उहनूं इलैक्शन ड्यूटी दे उत्ते नहीं लाउणा। चकदी टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।